नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। साई श्रद्धा एस्ट्रोलॉजी नूतन अध्याय को मुझे चतुर्वेद पंडित अजित कुमार दास बुलनना स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, आज कार्यक्रम में आम आलोचना करवा एक सुंदर विषय वस्तु। से विषय वस्तुर नाम है कौन ना पेचा देखिले मिली थाए यही संकेत आदौ अणदेखा करूँ ना। दर्शक बंधु, दर्शक बंधु, आम तो कार्यक्रम निश्चित प्रकार आरंभ करवा। कार्यक्रम आरंभ करवा पूर्व जो मैंने आम भिड को देखुंत भिडियो भल लगे तेल लाइक टीए करेंगे एवं अन्य नलेज आम भिड को सेयार करेंगे। जदि आपण मैंने आम चेल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर सैट्रे आसूबा बेल आइकन को दबाई देव, कारण यही ज्योतिष भित्तिक वास्तु भित्तिक आध्यात्मिक भिड जो बड़े आम आम चेल अपलोड करूँ दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आप देखिपर। दर्शक बंधु, एवं आसतु आम संपूर्ण रूपे कार्यक्रम आरंभ करवा। दर्शक बंधु, वास्तुशास्त्र अनुसारे आम घर आखपाखे गच्छ लता एवं पशुपक्षी आमको अनेक प्रकार संकेत दे थांती। तेबे प्रत्येक गच्छ लता एवं पशुपक्षी एक विशेषता रही थाए, सेति मध्यरो किछि शुभ संकेत देउथिबा बेले आउ किछि अशुभ संकेत दे थांती। पेचा को आमे शास्त्र रे अनेक विशेष महत्व दिया जाइछि। शास्त्र अनुजाई किछि स्थान रे पेचा को शुभ मना जाउथिबा बेले आउ किछि स्थान रे अशुभ मना जाइछि। दर्शक बंधु, पेचा साधारणत तो एक रातिर रात्रिचर पक्षी अटे, जहार शब्द पूरा वातावरण को भयंकर बनाई दिए। पूरी पेचा को आखि खूब बड़ एवं कान मध्य बेस बड़ होता है, जहाँ को वास्तव में खूब भयंकर देखा जाए। पेचा निज आखि को चारिदिग को बुलाई पारे। साधारणत तो पेचा राति रे शब्द करी थाए एवं दिन रे शिकार करी थाए, जो कारण रो प्राचीन काल रे लोके एहाकु खूब अशुभ मानुथिले। माता लक्ष्मी स्वर्गरो पृथ्वी को प्रथम थर आसीबा बेले सर्वप्रथमे पेचा को ही देखी थिले। सबु जीव मध्यरे एही गोटिए जीव सोई नथिबारु माता लक्ष्मी ताहाकु मुही निजर बाहन बनाई देले नेले। दर्शक बंधु, तेणु दीपावली दिन पेचा देखा जीवा किंबा ताहार शब्द सुना जीवा अत्यंत शुभ होइथाय। तेबे चालंतु जानिने बा पेचा सहित जड़ित शुभ संकेत विषय। दर्शक बंधु, प्रथम कथा हेउची कौन ना कौनसी गर्भवती महिला पेचा देखिले ताहा अत्यंत शुभ संकेत होइथाय। जदि गर्भवती महिला से ही पेचा को छुई दिए तेबे जन्म हेबा को थिबा संतान अत्यंत भाग्यशाली होइथाय। दर्शक बंधु, दि नंबर कथा रहुचि कौन ना पेचा जदि केही रोगाक्रांत व्यक्ति को छुई चली जाए तेबे तार गंभीर रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु, से भली तीन नंबर कथा जदि केही व्यक्ति कौनसी महत्वपूर्ण कार्यपाई अर्थात कौनसी चाकरी किंबा अन्य कौनसी काम पाई जाउथिबा समय रे जदि पेचा देखा दिए ताहा तेबे मध्य अत्यंत शुभ होइताय। दर्शक बंधु, से भली दर्शक बंधु चारि नंबर कथा कौन रहुचि ना सकाळ समय रे पेचा देखा गले एहा एवं ताहार रावण जो कहते आमर राव शुणा गले ताहा धन प्राप्तिर संकेत अटे। तेणु पेचा को एवं तार राव को केबे भी अणदेखा करिबा उचित नुहे। दर्शक बंधु, पांच नंबर कथा कौन रहुचि ना पेचा को आखि सहित तो आखि मिशिबा तो कष्टकर, तथापि जीए एपरि केबे होई जाए तेबे ताहा अत्यंत शुभ होइथाय। एहा धन प्राप्तिर संकेत अटे। दर्शक बंधु, से भली छ नंबर कथा पेचार आखिर एही विशेषता रहिचि जे से दुईटी आखिरे एकासाथिरे दुई दिग को देखि पारे। तेणु जदि पेचा बाम को देखी राबी थाए तेबे शुभ संकेत अटे, मात्र डाहाण को देखी राबिले
ताहा अशुभ संकेत अटे। दर्शक बंधु से भाई सात नंबर कथा कौन रही ना कौनसी घर को आसी पेचा बसिले ताहा से घर बर्बादी कारण होता है। जदि पेचा से घरे बारंबार आसी बसे एवं कांदी थाए तेबे ताहा से घर पाई एवं से घर सदस्यों पर अशुभ होता है। दर्शक बंधु तंत्र साधन अधिक संख्या रे पेचा को बळी दिया जाए ताहार नख चुटी एवं पर को तांत्रिक साधन उपयोग करा जाए। मात्र एपरी करिबा उचित नुहे कारण पेचा माता लक्ष्मी को बाहन होता है। तेणु ताहा को मारी कौनसी देवता प्रसन्न करिवे नाही बा करिहेब नाही। दर्शक बंधु ये तो थिला छुटिया कार्यक्रम टे पुणी एक नूतन कार्यक्रम में आपण सहित भेट हे से पर्यंत दर्शक बंधु मत विदाय दिंत मुझे नमस्कार। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री राम जय गुरुदेव।